आज हम बात करेंगे चोल अंपायर के जो राजा है किंग्स हैं उनके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको चोल डायनेस्टी के बारे में बता दिया था, तो आज हम इसके राजाओं के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, ये चोल अंपायर है, इसमें मैं आपसे बात करूँगा 9th सेंचुरी से 12th सेंचुरी AD के जो है उसके बारे में, थोड़ा सा इसमें लेटर चोला जिसे कहते हैं। देखिए, आफ्टर द चोला एरा 1070 AD फ्रॉम 1279 AD अंटिल बाय दिस टाइम द चोला अम्पायर हैड अटेंड इट्स स्टेटस एंड हैड बिकम द मोस्ट पावरफुल एम्पायर इन द वर्ल्ड। द चोलास कैप्चर्ड द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एंड एट इस दिस टाइम दे हैड द मोस्ट पावरफुल आर्मी एंड नेवल फोर्स इन द वर्ल्ड। आप देखिए, 1070 AD यानी कि 1070 से 1279 AD में या तक क्या जो चोल साम्राज्य है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका था उस टाइम पे। देखिए कि इनकी जो सबसे जो पावरफुल जो सेना थी वो कौन सी थी, वो इनकी नेवल आर्मी थी, इनकी जल सेना थी। आपको मैंने बताया था ना कि इन्होंने श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड पे कब्जा किया हुआ था, साथ में ये चाइना के ऊपर भी हमला कर रहे थे, उसके कुछ पार्ट पर कब्जा करने के लिए था। ये कैसे संभव है? ये संभव है सारा किससे पॉसिबल है, ये नेवल आर्मी की वजह से। नेक्स्ट है फॉल ऑफ चोला स्टेट। देखिए, अब चोला स्टेट के पतन का क्या कारण था। देखिए, विद द क्राइसिस इन द चोला एम्पायर वीरा राजेंद्र चोला डाइड इन 1070 AD। फर्दर विक्रमादित्य सिक्स्थ हिज सन एक्वायर्ड ए मेमोरेबल रेपुटेशन एंड सून बिकेम टू एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द चोला सोसाइटी। आप देखिए, जब 1070 AD में, इनकी 1070 AD में जब वीरा राजेंद्र चोला की डेथ हो जाती है, तो आगे उनके जो बेटे हैं विक्रमादित्य सिक्स, तो वो बैठते हैं राजगद्दी पे। ठीक है, तो वो राजगद्दी पे बैठते हैं उस समय। तो उन्होंने फिर ये चोल सोसाइटी जो है वो अपने तरीके से संभाली, यानी कि उन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पे राज किया। व्हेन वीरा राजेंद्र डाइड देयर वाज ए रिबेलियन इन द चोला अम्पायर। आप देखिए कि जब वीर राजेंद्र की जब मृत्यु होती है या फिर डेथ होती है, तब चोल साम्राज्य में यानी कि चोल अम्पायर में एक विद्रोह छिड़ चुका था, यानी कि वहाँ पे क्या था, वहाँ पे रेबेल यानी कि विद्रोही जो उनके थे, दुश्मन बहुत थे, पैदा हो चुके थे। ठीक है, शायद ये मानते कि वो धार्मिक विद्रोही थे। आप देखिए उस टाइम पे क्या था, चोल साम्राज्य के टाइम पे, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, वहाँ पे क्या था कि जो शैविज़्म है और विष्णुविज़्म है, यानी कि लोग जो विष्णु को मानते थे, विष्णु भगवान को, और शिव को मानते थे, तो चोल अंपायर वाले कहते थे कि आप विष्णु को मानना छोड़िए, आप सिर्फ जो है वो शिव जी को मानिए। तो इन्होंने पूरे मतलब कि साम्राज्य में शिव को मानने के लिए लोगों के लिए कह दिया। तो ये अपने सिर्फ शैविज्म का ही प्रचार करना चाहते थे, तो जिसकी वजह से जो विष्णु को मानते थे, भगवान को, तो वो इनके विरोधी हो चुके थे, तो ऐसा माना जाता है। विक्रमादित्य सिक्स स्टेड इन गंगाईकोंडा चोलापुरम फॉर ए मंथ एंड देन विजिटेड हिज कैपिटल अगेन। ही मेड अथ राजेंद्र द न्यू किंग एट गंगाईकोंडा चोलमपुरम। आप देखिए, जो विक्रमादित्य सिक्स हैं वो गंगाईकोंडा चोलमपुरम में 1 महीने तक रहते हैं, और उसके बाद फिर वो अपनी राजधानी में जाते हैं, यानी कि वो 1 महीने के लिए कहाँ रहते हैं, गंगाईकोंडा में, बाद में फिर अपनी वो राजधानी में जाते हैं। उसके बाद देखिए फिर उन्होंने क्या किया, गंगाईकोंडा चोलपुरम में उन्होंने अथी राजेंद्र को नया राजा बनाया, यानी कि पहले वो गए चोलापुरम में, गंगाईकोंडा चोलापुरम में, वहाँ पे 1 महीना रहे, फिर अपनी राजधानी है, फिर आते ही उन्होंने अथी राजेंद्र को नया राजा बना दिया गंगाईकोंडा का। ऑन द अदर हैंड विद ए फ्यू मंथ अथी राजेंद्र गॉट कॉट इन द स्ट्रोक ऑफ ए न्यू रेबेलियन। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि दूसरी तरफ हम देखें कि कुछ ही महीनों में जो अथी राजेंद्र है वो एक नए विद्रोह में, एक नए रिबेल में फंस गए, यानी कि जब देखिए इन्होंने अथी राजेंद्र को एक नया राजा बनाया, तो बाद में वो ही एक विद्रोह का शिकार हो गया, उसके भी कई दुश्मन निकल के आ गए। व्हेन अथी राजेंद्र डाइड राजेंद्र चोला सीज द चोला थ्रोन। अब देखिए, जब अथी राजेंद्र की मौत हो जाती है, तो राजेंद्र चोला जो है वो राजा बनते हैं। दिस वॉज ए न्यू लाइन ऑफ अर्ली चोला किंग्स विच वर नोन एज लेटर चोला। अब देखिए, जब अथी राजेंद्र की डेथ हो जाती है यहाँ पे, तब जब चोल राजा जब ये बनते हैं, राजेंद्र चोला बनते हैं, तब देखिए कि एक नए चोल जो राजा की वो
आरंभ हो जाता है, यानी कि एक नया शासन जो आरंभ हो जाता है, ठीक है, तो जो बाद के चोला का काल माना जाता है। देखिए इससे पहले जो चोला किंग्स थे वो तो अपने आप में सारे ही अच्छे थे, लेकिन जब जब राजेंद्र चोला बनते हैं तो एक नए शासन की यहाँ पे शुरुआत होती है, एक नए एम्पायर की यहाँ पे शुरुआत होती है। एम्पायर तो वही है चोला, पर एक नए किस्म के शासन की यहाँ पे शुरुआत हो जाती है। तो अब बात करेंगे चोला किंग्स के बारे में। देखे पहले राजा हैं जिनका नाम है चोल राजा, नाम है कोलोथुंगा चोल वन। अब देखिए 1070 से 1120 AD के बीच में थे। अमंगा देवी डॉटर ऑफ राजेंद्र चोला वाज मैरिड टू राजा राज नरेंद्र द वैंगई किंग ऑफ ईस्टर्न चलुक्या। आप देखिए जो राजेंद्र चोल वन है उसकी जो पुत्री है, उसकी जो बेटी है अमंगा देवी जिनका नाम है, उनका उनके जो मैरिज है वो किनके साथ होती है, वो होती है ईस्टर्न चुलुक्य के वेंगी राजा के राज राजेंद्र नरेंद्र के साथ। यानी कि जो राजा जो राजेंद्र चोला वन है उनकी जो बेटी है उनकी शादी किससे होती है, चालुक्यों के जो राजा है उनके साथ होती है जिनका नाम है राज राजा नरेंद्र। राजेंद्र चोला वाज द चाइल्ड ऑफ दिस इंटीग्रेशन हु लेटर बिकम कोथुंगा वन। आप देखिए कि इस एकीकरण की संतान, यानी कि आप देखिए चालुक्य जो इनके दुश्मन थे, अब जब इन्होंने चोल इन्होंने वहाँ पे जब इनके इनके साथ जो मैरिज कर दी, तो देखिए बाद में क्या है कि जो इनकी संतान थी, ठीक है, राजेंद्र चोल के बाद देखिए जो संतान थी बाद में कोलुथुंगा जो राजा बने, यानी कि जो राजेंद्र चोल वन थे, ठीक है, इनकी जो बेटी थी जब इनकी शादी हुई चालुक्य के राजा के साथ, फिर उनसे एक संतान पैदा होती है जिसका नाम था कोलुथुंगा चोल, जो आगे जाके राजा बनते हैं। कोलुथुंगा चोल ने देखिए कलिंग में 2 बार सैनिक जो कार्यवाही की, यानी कि 2 बार हमला करवाया, ठीक है, यहाँ पर लिखा है ना कोलुथुंगा चोला वन कैरिड आउट 2 मिलिट्री ऑपरेशन इन कलिंगा, इनके उसने 2 ऑपरेशन चलाए थे कलिंगा में। अंडर द लीडरशिप ऑफ कोलुथुंगा देर वॉज यूनिफिकेशन इन द एंटायर एम्पायर बाय रिमूविंग श्रीलंका। आप देखिए कि कोलुथुंगा की अगर हम बात करें तो श्रीलंका को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे ही जितना भी किंगडम था उसमें उसने क्या किया था, उसने वहाँ पे एकीकरण कर दिया था, इनकी यूनिफिकेशन कर दिया था, सारा ही राज उसने एक ही एकत्रित एक ही जगह पे इकट्ठा कर दिया था, सभी उसके अंडर में आ चुके थे सिर्फ श्रीलंका को छोड़ के। नेवर्थलेस द तुंग भद्रा रिवर वॉज लाइक एन आउटर स्पेस सरफेस बिटवीन द वेस्टर्न चालुक्य एंड द चोलास। विक्रम चोला सक्सीड हिम इन 1120 AD। यहाँ पे देखिए कि बाद में फिर जो चालुक्य हैं, जिनके देखिए इनकी जो इनका इनके किन के साथ अच्छे संबंध थे, जो ईस्टर्न चालुक्य हैं, बाद में जो वेस्टर्न चालुक्य हैं उनके और चोल के बीच में तुंगभद्रा जो नदी आती है उसके बीच में वहाँ पे इनके डिवाइडेशन था इनके बीच में, तो विक्रम चोल जो थे बाद में राजा बनते, यानी कि जो कोलथुंगा चोल है इनके बाद कौन राजा आए थे, विक्रम चोल। नेक्स्ट है विक्रम चोल, ये 1120 से 1135 तक रहे। कोलथुंगा चोल अपॉइंटेड विक्रम चोला एज द राजपाल ऑफ वेंगी। अब देखिए जो कोलथुंगा चोल है वन है, इन्होंने विक्रम चोला को वेंगई का राजपाल नियुक्त किया था। इट वॉज कॉल्ड इन 1180 AD एंड वॉज डिक्लेयर्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट। ही रूल्ड विद हिज फादर कोलथुंगा अनटिल हिज फादर डाइड इन 1122 AD। द वेस्टर्न चालुक्य वर फ्लाइंग वेरी हाई एंड दे अटैक द ईस्टर्न चालुक्य एंड कॉन्कर्ड वेंगी। कोलथुंगा चोला टू सक्सीड विक्रम चोला इन 1133 AD। आप देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए कोलथुंगा के बाद कौन, कोलथुंगा ने क्या किया था, कोलथुंगा वन ने विक्रम चोल को वेंगी का राजपाल नियुक्त किया, यानी कि इसको वहाँ पर राजपाल बना दिया, गवर्नर बना दिया। और इसके साथ देखिए कि जो 1118 में, ठीक है, 1118 में क्या है, राज्य का इसे क्या हेड बना दिया, यानी कि पहले क्या बनाते हैं राज्यपाल, बाद में क्या है इन्हें वहाँ का जो हेड घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद देखिए कि जो इन जो इसके पिता हैं, यानी कि जो कुलथुंगा, यानी कि जो विक्रम चोल हैं, ये किसके बेटे हैं, कुलथुंगा चोल के। इन्होंने तब तक कोलथुंगा के साथ शासन किया जब तक कोलथुंगा की डेथ नहीं हो जाती, यानी कि इन्होंने अपने पिता के साथ जो शासन को संभाला था, एम्पायर को संभाला था, जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती उनके फादर की, तब तक ये राजगद्दी पर बने रहते हैं, ठीक है। अब बाद में देखिए कि पश्चिमी चालुक्य, यानी कि जो वेस्टर्न जो चालुक्य हैं वो थोड़ा सा इनसे
आगे जा रहे थे, ऊंचा थोड़ा सा हो रहे थे, ठीक है। इनकी देखिए इनके जो अच्छे संबंध किसी वजह से ईस्टर्न चालुक्य के साथ थे, तो वेस्टर्न चालुक्य थे थोड़े से इनसे वो थोड़ा सा आगे निकल रहे थे, तो वो हमला कर रहे थे इनके ऊपर, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, वेस्टर्न चालुक्य ने पूर्वी चालुक्य यानी कि जो वेस्टर्न चालुक्य है उन्होंने ईस्टर्न चालुक्यों के ऊपर हमला करके जो वेंगी वाला एरिया था जो चोलवंश के अधीन था उसको जीत लिया। अब 1133 में देखिए कि 1133 में क्या होता है, कोलथुंगा चोल टू ये विक्रम चोल के बेटे हैं, ये आगे जाके इनके जो राजा बनते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि देखिए जो कोल जैसे लिखा है ना कोलथुंगा चोल 1 2 3 4 ये ऐसे कुछ नहीं है, ये इनका ऐसा नाम नहीं है कि अपने बेटे का नाम रखे कोलथुंगा थोल टू। ये हिस्टोरियंस जो है ना वो आपकी हेल्प के लिए ये नाम रखते हैं कि ताकि आपको गड़बड़ ना हो जाए। आप देखिए कोलथुंगा इसके बेटे का नाम भी है विक्रम चोल के, और कोलथुंगा इसके फादर का नाम भी है। तो अगर यहाँ पे 1 2 ना हो तो आपको मुश्किल हो जाएगी ना यहाँ पे ढूंढने में किसकी बात कर रहे हैं। तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए इन्होंने यहाँ पे 1 2 लिखा है, ठीक है। अब देखिए विक्रम चोल के फादर थे कोलथुंगा चोल, जो बहुत अच्छे राजा थे। अब होता क्या था कि जो राजा होता था वो अपने बेटे का नाम अपने फादर के नाम के ऊपर रख देता था, ठीक है, जिसको हम 1 2 3 के नाम से आगे जानते हैं। कोलथुंगा चोल टू कौन से हैं, ये विक्रम चोल के बेटे हैं यानी कि कोलथुंगा वन के ये पोते हैं। कोलथुंगा चोल टू वाज द सन एंड सक्सेसर ऑफ विक्रम चोला, देर इज नो हिस्टोरिकल बैटल इन इट्स अकाउंट, ही असिस्टेंस फंड एसेट्रा चिदम्बरम टेम्पल वाज राजा चोल सक्सीड हिम 1150 AD। आप देखिए जो कोलथुंगा चोल टू है इन्होंने इतना कुछ खास नहीं किया, ना ही इन्होंने कोई लड़ाई लड़ी है, बस ये जो चिदम्बरम जो मंदिर है जो इनके कब्ज़े में होते थे चोल वंश के, तो इनकी सहायता करते थे, उनको ये काफ़ी पैसे वगैरह देते थे, दान पुण्य वैसे करते थे, ठीक है। 1150 में इनके जो बेटे आते हैं आगे राजा राज चोल टू, वो इनके उत्तराधिकारी बनते हैं। राजा चोल टू के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, ये 1150 से 1173 यानी कि 1173 तक ये रहते हैं यहाँ पे, तो इनके बारे में देख लेते हैं एक बार। देखिए कोलथुंगा चोला थ्री ही हेयर इन 1146 बाय राजा राज चोला AD बिल्ट इन, ही हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द राइन ऑफ रीजन ऑफ कलिंगा वेंगी चेरा पांड्या एटसेट्रा एंड अटैक श्रीलंका एज वेल, बट इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज डोमिनियन हिज फादर विच वाज फॉर्मली द रीजन ऑफ पांड्या विटनेस पोलिटिकल अनरेस्ट बिफोर ही पास्ड, ही राजाधिराज चोला टू वाज मेड हिज हेयर इन 1163 AD इट सक्सेसर किंग चोला टू मेड। यानी कि देखिए इनके बाद क्या होता है, इनके जो राजा हैं वो कौन बनते हैं, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे राज चोला टू की, तो इनके देखिए कि जो कोलथुंगा चोल थ्री हैं, ठीक है, कोलथुंगा जो थ्री हैं, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, कोलथुंगा जो थे थ्री ने क्या किया कि राजा चोल को अपना वारिस जो है 1146 AD में बना दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे वो राजा वो यहाँ पे कोलथुंगा थ्री नहीं टू आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, टू आएगा यहाँ पे। आप देखिए जो कोलथुंगा टू हैं वो राजा चोल को क्या करते हैं, अपना उत्तराधिकारी बना देते हैं। तो उसके बाद क्या है कि पूरा नियंत्रण यानी कि पूरा कंट्रोल राजा राज चोल के हाथ में चला जाता है। इन्होंने देखे वेंगी चेरा पांड्या जो इनके बीच में जो स्थान इनके कंट्रोल में थे, इन्होंने उसको अपने कब्जे में किया, और साथ में श्रीलंका के ऊपर भी हमला करके उसको भी अपने कब्जे में कर लिया। आपको मैंने बताया था कि श्रीलंका को छोड़ के सभी राज्यों पर इनका क्या था, कंट्रोल हो गया था। फिर उन्होंने क्या किया, श्रीलंका को भी अपने कब्जे में पूरी तरह से ले लिया। तो यहाँ पर क्या है कि पांड्या का जो क्षेत्र था, जो इनके जो पांड्या का रीजन था, इनके जब कंट्रोल में आया तो वहाँ पे राजनीतिक अशांति फैल गई काफ़ी, ठीक है। तो सारे सोचते थे कि हम इसके ऊपर कब्जा करें, इसलिए तो यही बात होती है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि राजराज चोल टू के बाद उसने क्या किया, राजाधिराज जो चोल टू है उसको 1163 में अपना वारिस बना दिया। उन्होंने कह दिया कि ये जो राजाधिराज चोल है वो 1163 में जो इनके अगले वारिस बनेंगे, ठीक है। अब इसके इसका जो अधिकारी है वो राजा अधिराज टू बने, यानी कि राजा चोल के टू के बाद कौन आते हैं, राजा अधिराज चोल टू।
देखिए किंग चोला टू राजा राज चोला से वो सक्सीड इन इट्स चोला किंगडम रूल वर टू फर्दर डिफेक्ट्स विच पांडस वार डोमिनेटेड बाय कॉमन वैसल बिटवीन ए पोलिटिकल वॉर इंस्यूड बिटवीन द पांड्यास विच रिक्वायर्ड द इंटरवेंशन एंड केयर ऑफ चोलास बट पांड्या स्टार्टेड गेनिंग फेम एंड सेंट्रल चोला स्टेट स्लोली स्टेटेड स्टार्टेड टू वीकन इन 1178 AD कोलथुंगा चोल टू सक्सीड राजा राज चोला। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि जो राजाधिराज चोल जो टू है ठीक है वो राजा राज चोल टू के उत्तराधिकारी बनते हैं। उसके बाद देखिए कि जो इसका शासनकाल है वहाँ पे देखिए कि चोल राजा को कि आगे के दोषों के लिए जाना जाता है। इनके जो जो शासनकाल है ना उसमें क्या क्या कमी आई थी क्या क्या हुआ था उनके ऊपर पांड्या ने कैसे कब्जा किया तो सारा कुछ इसके टाइम पे हुआ था। यानी कि राजाधिराज जो चोल टू है उसके बाद ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो पांड्या के बीच में देखिए राजनीतिक युद्ध हो गया ठीक है। तो लेकिन जो पांड्या है आप देखिए कि जो इनका पतन होना यहाँ पे शुरू हो गया जब राजाधिराज चोल टू बनते हैं तब तो पांड्या जो शासन था वो थोड़ा सा आगे निकल रहा था उसको वो थोड़ा सा मशहूर हो रहा था ऐसे थोड़ा सा वो फेमस हो रहा था ज़्यादा। तो इनकी शक्ति धीरे धीरे देखिए पावर जो कमज़ोर होने लग गई तो बाद में वो थोड़ा सा आगे आने लग गया ठीक है। तो उसके बाद देखिए जो इनके उत्तराधिकारी हैं वो बनते हैं कोलथुंगा चोल थ्री ठीक है। कोलथुंगा चोल जो थ्री है वो इनके जो उत्तराधिकारी बनते हैं आगे जाके आप ये देख सकते हैं। पहले आए थे देखिए सबसे कोलथुंगा वन फिर टू फिर थ्री ठीक है। तो ये 1178 से 1218 तक है। देखिए कोलथुंगा चोल थ्री विनाद ऑफ इट्स देखिए आपको मैं इतना पढ़ने भी जाएगा आपको ना सिंपल बताता हूँ इसमें क्या लिखा है ठीक है। देखिए ऐसा था कि जो कोलथुंगा चोल थ्री थे ये जो राजा थे ये जो विनाद के राजा हैं जो आगे मदुरा में जो पांड्या थे जो विनाद में चेर थे ठीक है। यानी कि चेर थे जो पांड्या थे वो श्रीलंका पर जिनका सिन्हा सिन्हा नाम के जो राजा थे वो मैसूर में होयसाल थे। यानी कि विनाद में क्या थे चेर थे मदुरा में पांड्या थे श्रीलंका में सिन्हा थे और मैसूर में जो होयसाल जो राजे थे उनको उन्होंने क्या किया बंदी बना लिया इनके ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया। अब देखिए समय ने यानी कि टाइम ने थोड़ा सा घुमाव किया अपना थोड़ा सा बदलाव किया तो वो क्या हुआ कि इनके खिलाफ़ ही यानी कि देखिए कि पहले इन्होंने कब्जा किया बाद में इनके खिलाफ ही विद्रोह होना शुरू हो गया ठीक है। तो आप देखिए जो चोल साम्राज्य के जो एक जो आगे जाके जो इनके दुश्मन बने वो थे जतवर्मन कुलसेकरन वन। उन्होंने क्या किया कि इनके खिलाफ़ विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो 1290 में क्या होता है कि उन्होंने मदुरै की जो राजधानी मदुरै देखिए इसके ऊपर पांड्या का कब्जा था। यानी कि देखिए इनका जो विद्रोह हो रहा था वो इनके कई दुश्मन पैदा हो गए थे इन्होंने पांड्या को भी चेर को भी और कईयों के ऊपर कब्जा किया होता। इनका नया दुश्मन निकल के आया जिन्होंने क्या किया मदुरै को जहाँ पे पांड्या का शासन था जो अब चोल के अंडर था इन्होंने उसके ऊपर कब्जा कर लिया जतवर्मन ने देखिए क्या किया कि जो ठीक है जो जतवर्मन है देखिए ठीक है इन्होंने इसके ऊपर हमला कर दिया। अब फिर बाद में क्या हुआ कि चोल राजाओं को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने देखा कि एक और किसी ने हमारे ऊपर विद्रोह किया तो उसने हमारा शासन जीत लिया जो हमारे अंडर था। फिर चोल राजा ने जतवर्मन के ऊपर दोबारा से हमला कर दिया। अब जो जतवर्मन ने चोल राजा के हाथों से जो मदुरै को हथियाया हुआ था फिर उसने क्या किया चोल राजाओं ने फिर अपनी वो मदुरै वाला हिस्सा बाद में फिर से वापस ले लिया ठीक है। यानी कि विद्रोह होता है इनके खिलाफ़ तो इनके हाथ से शासन जाता है फिर से वापस ये शासन को ले लेते हैं ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे जाके इनके काफ़ी सारे जो हैं वो आगे जाके बहुत सारे इनके दुश्मन बन जाते हैं। नेक्स्ट है राजा राज चोला थ्री ये 1216 से 1256 यानी कि 1216 से 1256 तक ये AD तक बनते हैं। अब देखिए इन जुलाई 1216 व्हेन राजा राज चोला थ्री केम टू पावर द चोला किंगडम वाज ए स्मॉलर प्रोविंस द प्रीवियस चोलास पांड्या हैड सिग्निफिकेंट कंट्रोल इन द साउथ एंड वेंगी। देखिए ये सारा पढ़ने की आपको मैं सिविर से ऐसे ही बता देता हूँ क्योंकि देखिए इसे लेक्चर लंबा और कुछ नहीं है। देखिए होता क्या है कि जुलाई 1216 में जब राजा राज चोल जब तीन जब राजा बनते हैं जब जब पूर्व के जो चोला हैं यानी कि जो ईस्ट वाले जो चोला है ठीक है जो पूर्व के चोला यानी कि जो इससे पहले वाले जो राजा है आप देखिए जब राजा राज चोल थ्री है जब पावर में आते हैं जो इससे पहले वाले जो चोल राजा थे ठीक है
तो इनका जो शासन था उससे थोड़ा सा छोटा था। आप देखिए चोल राजा को जो शक्ति थी, पावर थी, बहुत दूर तक फैली हुई थी। जब राजा राज चोल थ्री बनते हैं तो इनका जो शासन है वो बहुत कुछ समय के लिए कुछ ही जगह पर था, क्योंकि देखिए इनके हाथों से सारा कंट्रोल निकलता जा रहा था, निकलता जा रहा था। तो पांड्या राजा जो थे वो बहुत ज़्यादा जो थे वो आगे आ रहे थे। अब देखिए जो पांड्या हैं उनका देखिए दक्षिण में, और वैंगी, वैंगी और दक्षिण, देखिए दो ऐसी जगह हैं जहाँ पर चोल राजा जो थे उनका खास वहाँ पे कंट्रोल था। अब देखिए वहाँ पे किसका कब्जा है, वहाँ पे पांड्या का कब्जा है, ठीक है। यानी कि राजा 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 राज चोल थ्री के टाइम पे क्या हुआ, इनकी जो शासन सत्ता है वो इनके हाथ से कंट्रोल काफ़ी जा चुका था, ठीक है। तो यानी कि मैंने आपको बताया ना ऊपर कि इन्होंने क्या किया था, पांड्या के ऊपर और साथ में इन्होंने होयसाला के ऊपर, सभी के ऊपर कब्जा किया था। अब जिनके ऊपर ये कब्जा करते हैं वही इनके दुश्मन बन जाते हैं आगे जाके, ठीक है। तो वो आगे जाके इनके दुश्मन बन जाते हैं। अब इनके बाद आते हैं राजेंद्र चोला थ्री, ये 1246 से 1280 के बीच में थे, ठीक है। इनके शासनकाल में क्या होता है, देखिए कि जो राजेंद्र चोल हैं, ठीक है, यानी कि जो राजेंद्र चोल हैं वो 1246 में बनते हैं। अब देखिए इन्होंने क्या किया कि जो चोल राजा की जो पावर इतनी कम हो रही थी, इन्होंने उसको रोकना चाहा। इन्होंने चाहा कि फिर से एक अच्छे चोल राजा की स्थापना की जाए, अच्छा चोल राजा बनाया जाए, कि ताकि जो इनका जो खात्मा हो रहा है, पतन हो रहा है, जो इनका डिक्लाइन हो रहा है, इसे रोकना चाहिए। पर ये उसको रोक नहीं पाए क्योंकि जो पांड्या थे वो उनकी शक्ति काफ़ी आगे निकल के आई, ठीक है। अब देखिए जो चोल राजा है उसका पतन, उसका डिक्लाइन राजेंद्र चोला थ्री के साथ ही हो जाता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे चोल एम्पायर के, देखिए मेडिवल चोल के बारे में आपको बताइए, ठीक है। यहाँ पे कुछ देखिए, यहाँ पे सन ने लिखा इनके आगे, ये कुछ अन्य इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये कुछ बाकी जो इंपॉर्टेंट राजा उनके बारे में बात करेंगे। विजयालय चोला जिन्होंने देखिए शुरुआत की थी चोल वंश की, ठीक है, जिन्होंने शुरुआत की थी चोल वंश की, इन्होंने दोबारा से चोल वंश की शुरुआत की थी। पहले जो थे करिकाल वगैरह जो थे ना, वो सब पहले बार उन्होंने चोल वंश की शुरुआत की थी, जो करिकाल के फादर थे उन्होंने। बाद में जब चोल वंश आया था फिर विजयालय ने चोल वंश की शुरुआत कर दी, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, देखिए जो पादुकोटाई है वहाँ पे सिलवेसरा मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है, ठीक है, पादुकोटाई में सिलवेसरा मंदिर का निर्माण करवाया था। आदित्य चोल जो वन है वो देखिए विजयालय के बाद आदित्य चोल वन बनते हैं, ये शिव के बड़े भक्त थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, जो कावेरी नदी है उसके किनारे पे कई शिव मंदिर के हैं वो निर्माण करवाया था। प्रांतक चोल वन है जो बनते हैं, देखिए इन्होंने जो पांड्या राजा है उसको हरा दिया, और मद्रकोंडा का खिताब भी इनको मिला है। तो क्वेश्चन आता है, बताइए कि मद्रकोंडा का खिताब किसे मिला था, वो प्रांतक चोल को मिला था, इन्होंने पांड्या को हराया था तब। राजा राज चोल जो वन है, ठीक है, अब देखिए जो इससे पहले राजा राज चोल से पहले इनकी जो राजा थे वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, यानी कि इतने ज़्यादा वो मशहूर नहीं थे, प्रसिद्ध नहीं थे, ठीक है, फेमस नहीं थे इतने ज़्यादा। जब राजा राज चोल बनते हैं तो ये एकदम से जो चोल वंश है वो एकदम से फेमस होने लगता है, क्योंकि इन्होंने अपना काफ़ी जो आगे जो जो राज्य जो राज्य था वो आगे बढ़ाया था, ठीक है। इनका देखिए इनके जन्म का नाम इनका क्या था, अलरू जमेहिता, यानी कि अरुल मोजी जो था इनके जन्म का नाम था, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है। और इनको देखिए अरुजमही उदयार पेरियार उदयार के नाम से भी जाना जाता है। और बाद में देखिए कि कर्नाटक उड़ीसा, ठीक है, और कर्नाटक उड़ीसा तमिलनाडु तो आंध्र प्रदेश इनके कब्ज़े में थे, श्रीलंका भी इनके टाइम पे ही था, ठीक है। तो देखिए जो तंजौर में राज राजेश्वरम जो मंदिर है जो अभी यूनेस्को में शामिल है वो भी इन्होंने बनाया था, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बनते हैं राजेंद्र चोला वन, ठीक है, इसके बारे में हम खैर बात कर चुके हैं, फिर भी आपको एक बार मैं बता दूँ। देखिए 1014 AD में क्या होता है कि जो राजा राज के जो बेटे हैं राजेंद्र वन वो बनते हैं इनके उत्तराधिकारी, ठीक है। तो इन्होंने देखिए कि काफ़ी अच्छे काम किए थे, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए इन्होंने पूरा श्रीलंका जीत लिया था, क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि किस चोल वंश के राजा ने पूरा श्रीलंका जीत लिया था, वो थे राजेंद्र चोल वन, आपको ये याद रखना है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, श्रीलंका के राजा को 12 साल तक बंदी बना के रखा था, ठीक है। उस पर देखिए जो वेस्टर्न चालुक्य हैं, ठीक है, उसका जो सम्राट है उसको उन्होंने मस्की के युद्ध में हरा दिया। उसके बाद देखिए कि इन्होंने कलिंग की जो कलिंग पाल और गंगा है, गंगाओं पर इन्होंने कब्जा कर लिया, ठीक है, कलिंगा पर भी कब्जा कर लिया, पाल वाले क्षेत्र में भी कर लिया। तो
इसके बाद इनको कौन सी उपाधि मिलती है, गंगाई कोंडा की उपाधि मिलती है। तो क्वेश्चन आ सकता है गंगाई कोंडा की किसकी उपाधि मिली है, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे इनके काम थे। तो यहाँ पे देखिए राजा धीराज चोला भी है, जिसके बारे में हम डीपली पढ़ चुके हैं वैसे। तो इस बार ये बनते हैं, इन्होंने मैसूर के जो निकट है, जो कोपम है वहाँ पे, देखिए कोपम लिखा है ना यहाँ पे, कोपम के पास इन्होंने युद्ध किया था। राजेंद्र चोल जो टू है, ठीक है, ये कौन थे, ये देखिए ये एक जो कवि जैन की जो पोइट्री है, जो डांस है, इन्होंने इसको काफ़ी आगे बढ़ाया था। वीरा राजेंद्र जो चोल है, ठीक है, ये भी एक अच्छे शासक थे, एक अच्छे राजा थे। इनके टाइम पे जो आर्ट था, ठीक है, वो काफ़ी निकल के आगे आया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे राजाओं के नाम, आपको इसके साथ मैं इंपॉर्टेंस भी इनके मैं बता चुका हूँ, तो आपको यही याद करना है। तो फ्रेंड्स अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।